है एवरी वन दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अब आप सबको पता होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है उसका काम क्या होता है सिंपली रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है वो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है इन ब्लड स्ट्रीम्स और टिश्यूज और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को ये वापस बैक करता है और उनको आउटसाइड द बॉडी थ्रो करता है ओके okay, अब आज हम सिंपली रेस्परेटरी सिस्टम की एनाटमी को डिस्कस करेंगे यानी उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे कि किस तरह से रेस्परेटरी सिस्टम कंपोज हुआ है ओके सो रेस्परेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर में आते हैं सबसे पहले एयरवेज देन लंग्स बोनी थोरेक्स और रेस्परेटरी मसल्स एंड लास्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सारे पार्ट्स uh, मिलकर क्या करते हैं ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं ब्लड स्ट्रीम्स में और रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द बॉडी ओके सो सबसे पहले हैं अपर एयर वे जो रेस्परेटरी सिस्टम है वो डे डिवाइडेड है टू मेन पार्ट्स में, में जिनको आप अपर रेस्पारेटरी ट्रैक भी बोल सकते हैं और अपर एयर वे भी बोल सकते हैं और नीचे लोअर एयर वे या फिर लोअर रेस्परेटरी ट्रैक सो so, अपर एयर वे में कौन कौन से ऑर्गन्स आ, आ जाते हैं अपर एयर वे कंसिस्ट ऑफ नेजोफेरिंग्स ठीक है नेज़ो फेरिंग्स यानी जो नोस के पीछे फेरिंग्स हो उसको हम नेज़ो फेरिंग्स बोलते हैं ओके देन नोज आ जाता है ओरो फेरिंस। ओरो ओरोफेरिंग्स का मतलब है माउथ से पीछे जो फेरिंग्स प्रेजेंट है उसको हम ओरो फेरिंग्स बोलते हैं देन लेरेंगो फेरिंग्स यानी लेरिंग्स के पीछे पीछे वाले पार्ट को हम लेरेंगो फेरिंग्स बोलते हैं सो दीज स्ट्रक्चर ये सारे स्ट्रक्चर क्या करते हैं वार्म करते हैं एयर को प्लस में फिल्टर करते हैं और लास्ट में उनको जो हमने एयर इनहेल की है उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं ओके सो so, यहाँ पर देख सकते हैं आप पहले नेज़ोफेरिंग्स से देन नेज़ल कैविटी आप देख सकते हैं उसके बाद और फेरिंग्स औरल कैटी के पीछे है देन लेरिंग्स और उसके पीछे क्या है लेरेंगो फेरिंग्स तो यहाँ तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खत्म होता है अब नीचे लोअर रेस्पारेटरी ट्रैक्ट या फिर लोअर एयर वे स्टार्ट होता है सो so, लोअर एयर वे बिगनस विथ द ट्रेकिया ट्रेकिया किस में आता है लोअर रेस्पारेटरी ट्रैक्ट में देन विंड पाइप विंड पाइप भी हम सिंपली ट्रेकिया को ही बोलते हैं जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम क्रिक्वाइड कार्टिलेज टू केना केना क्या है केना यहाँ पर मैं आपको दिखा दिखाऊँ हाँ ये वाली जो एरिया है ना ये वाली एरिया ये कैरना है इसमें अगर आपने गलती से रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड को इनहेल कर लिया है एयर के साथ तो ये जाकर केरीना से लगता है और कैरिना वेरी सेंसिटिव होता है इसके ऊपर अगर कोई थोड़ा सा भी पार्टिकल लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा रेस्पिरेटरी रिफ्लक्स यानी खांसी होगी तब तक वो खांसी नहीं रुकेगी जब तक वो पार्टिकल वापस माउथ में ना आ जाए ओके okay, तो ये कैरिना का काम है तो जो ट्रेकिया है वो क्रिक्वाइड कार्टिलेज से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड करता है टू कैरिना देन उसके बाद ट्रेकिया डिवाइड करता है किस में राइट एंड लेफ़्ट मेन स्टेम जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं जो कंटिन्यू होती हैं और डिवाइड होती जाती हैं स्मॉल ब्रांचेस में देन ब्रांचेस के बाद वो एलव्यूला में जाके डिवाइड होती है एलव्यूला क्या करता है सिंपली गैस की एक्सचेंज करता है और एलव्यूला को हम यूनिट ऑफ लंग्स या फिर बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं ना इसके पार्ट को देखें तो सबसे पहले हैं ट्रेकिया ओके okay? ट्रेकिया के बाद नीचे जो ट्रेकिया डिवाइड किया गया है लेफ्ट मेन ब्रोंकस और राइट मेन ब्रोंकस देन यहाँ पर राइट सुपीरियर लोब्यूलर ब्रोंकस आप देख सकते हैं जो बड़ा है और उसके अलावा ये एपेक्स ऑफ लंग्स ठीक है ये दो लंग्स हैं देन आते हैं आ, लेरिंग्स अब लेरिंग्स को देख लें तो लैरिंग्स हाउसेज द वोकल कोड लेरिंग्स वोकल कोड को हाउस करता है यानी लेरिंग्स में वोकल कोड्स प्रेजेंट होते हैं इट्स द ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन अपर एंड लोअर एयरवे अब जो लैरिंगस है ये एक ट्रांजिशन पॉइंट है यानी अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बीच में जो एरिया प्रेजेंट है उसको हम लेरिंग्स बोलते हैं द एपिगलोटिस एपिगलोटिस क्या है अ फ्लैप ऑफ टिश्यू है जो क्लोज करता है टॉप ऑफ लेरिंग्स को जब पेशेंट स्वेलो करता है ओके okay? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है कि कोई फूड का पार्टिकल रेस्परेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए इसीलिए ये जब पेशेंट स्वेलो करता है कोई चीज़ तब ये कवर कर देता है ओके लैरिंग्स को देन इट प्रोटेक्ट फ्राम एक्सपारेटिंग फूड और फ्लूड इन टू द लोअर एयर वे एस्पायरेटरिंग का रेटिंग uh, का मतलब है कोई फूड या फिर फ्लूड रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ना आ जाए या फिर एयरवे में ना आ जाए तो उससे प्रिवेंट करता है एपीग्लोटिस अब यहाँ से इनके स्ट्रक्चर देख लें आ, ये एंटीरियर व्यू है ओके सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस के बाद नीचे एच शेप ये जो है ये हायरोइड बोन है और उसके ऊपर आप ग्रेटर हॉर्न ऑफ हाइयड बोन सकते हैं फिर नीचे लेसर हॉर्न ऑफ हाईड बोन है देन उनके बीच में मीडियम थायरॉयड लिगामेंट है देन लेटरल थायरोइड लिगामेंट है और उसके ऊपर ये थायरॉइड मेमब्रेन है देन उनके नीचे थायरॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट है और इसके जो बीच में ये कर्व शेप है इसको हम सुपीरियर थाइराइड नोच बोलते हैं और ये इसके ऊपर ओब्लिक शेप की ओब्लिक लाइन प्रेजेंट है देन नीचे मीडियन uh, क्रिको था, थारॉयड लिगामेंट ओके okay, ये नीचे आप देख सकते हैं इनके uh, होल में आपको मीडियम क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट नजर आएगा और उसके ऊपर इन्फीरियर थायराइड नोच है ओके ऊपर सुपीरियर थायराइड नोच था और नीचे इन्फीरियर थायराइड नोच है देन इन्फीरियर हॉर्न ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट है और उसके बाद क्रिकोथायरॉयड मसल स्ट्रेट और ओब्लिक शेप में प्रेजेंट है उसके नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज है ऐसे आर्क की शेप में देन ट्रेकिया स्टार्ट होती है और ये ट्रेकिया ट्रेकियल कार्टिलेज है और उनके अंदर क्या है ट्रेकिया है ओके okay. तो ये सिंपल डायग्राम था लेरिंग्स का देन इसकी हम सीरीज देखें लोअर एयरवेज की यहाँ पर तो सबसे पहले हैं ट्रेकिया ट्रेकिया के बाद मेन स्टेम ब्रोंकाई आ जाते हैं वो फिर डिवाइड होते हैं लो, लोबर ब्रोंकाई में लोबर ब्रोंकाई को हम सिंपली प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं क्योंकि इसमें लोब्युलर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं कॉल देम लोबर ब्रोंकाई लोबर ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं टर्चरी ब्रोंकाई में टर्चरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर टर्मिनल ब्रोंक्योल्स बना दी है टर्मिनल ब्रोंकिोल से मजीद रेस्परेटरी ब्रोंक्योल्स बनती है रेस्परेटरी ब्रोंकिल्स के बाद स्मॉल एलव्यूलर डक्ट और देन एल्व्यूलाई होता है ओके okay. यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है टर्मिनल ब्रोंकीोल्स टर्मिनल ब्रोंकी्योल्स के बाद ये स्मूथ मसल आप उसके ऊपर देख सकते हैं देन रेस्पारेटरी ब्रोंकीोल ये है ये वाली ये रेस्पारेटरी ब्रोंकिल है उसके बाद आ, ये जो रेड कलर की है ये पल्मोनरी वीन है क्योंकि पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट्स वाई इसका कलर जो है वो रेड है देन पल्मोनरी आर्टरी में ब्लू कलर इसीलिए है क्योंकि इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्लड है डेट्स वाई इट इज़ ब्लू देन नीचे ये बबल शेप जो है बॉल की शेप जैसे ये एल्वियोलाई है एल्वियोलाई के ऊपर ये कैपलरीज हैं ठीक है एक विनस एंड है और दूसरी आर्टेरियल एंड है कैपलरीज की वीनस एंड से ब्लड लंग्स की तरफ जाता है और जो आर्टेरियल एंड से वहाँ से सॉरी यहाँ पर उल्टा होता है मैं भूल गई तो रेड कलर वाली वीन्स हैं और ब्लू कलर वाली आर्टरीज हैं और ये इनका कैपिलरी बेड है जो कि सराउंड करता है एलवलाई को और यहाँ से ही गैसेस की एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है बॉडी से थ्रू दिस कैपिलरी बेड देन यहाँ पर आप एलवलाई डक देख सकते हैं और एलव्युलर पोर देख सकते हैं एलवुलर पोर से क्या होता है सिंपली एयर क्रॉस होती है और ये जो पूरा का पूरा गुच्छा है अंगूर लाइक इनको ग्रेप्स लाइक इनको हम एलवुलर सेक बोलते हैं आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको पूरा डायग्राम ये ओके okay? पूरे नोट में इसकी क्लियर होगी देन आते हैं हम लंग्स के ऊपर तो हमें पता है देर आर टू लंग्स दो लंग्स हैं एक राइट लंग और दूसरा है लेफ्ट लंग जो राइट लंग है उसमें तीन लोब्स होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो ये जो राइट वाला लंग है इसमें तीन लंग तीन लोब से अपर लोब देन नीचे मिडल मीडियल लोब और लास्ट में बेस ऑफ लंग या फिर जिसको हम लोअर लोब भी बोलते हैं लेकिन जो लेफ़्ट लंग है उसमें सिर्फ टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो राइट वाला लोब है लंग है उसमें एक हरीजेंटल फिशर भी है लेकिन लेफ्ट वाले लंग में हरीजेंटल फिशर एबजेंट है इसमें सिर्फ ओब्लिक फिशर प्रेजेंट है देट्स वाई इसके लेफ्ट के टू लॉब्स हैं और राइट के थ्री लॉब्स हैं तो इसको भी आपने याद करना है करना है एग्जाम या फिर एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देन थ्री लोब्स हैं अपर मिडल एंड लोवर द लेफ्ट लंग इज़ स्मॉलर जो लेफ्ट लंग है वो एक तो स्मॉलर है और इट हैज़ ओनली एन अपर एंड लोअर लोब then the lungs share space in the thoracic cavity with the heart and great vessels अब इनमें इन क्या होता है ये शेयर करते हैं स्पेस thoracic cavity में heart हर, heart के साथ और बहुत सारे ब्लड वेसल्स से देन द ट्रेकिया एंड ईसोफेगस एंड ब्रोंका स्पेस बिटवीन द लंग्स इज कार्ल्ड मीडियास्टिनम अब जो ट्रेकिया ईसोफेगस और आ, ब्रोंकाई की वजह से स्पेस क्रिएट होती है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं मीडिया स्टीनम बोलते हैं ये वाला मीडिया स्टीनम नज़र आ रहा है आपको ये पूरी जो स्पेस बनी है दोनों लंग्स के बीच में इसको हम मीडिया स्टीनम बोलते हैं ओके यहाँ पर लंग्स को देख लें ये है राइट लंग ये है लेफ्ट लंग ये अपेक्स ऑफ लंग है उनके बीच में ये ट्रेकिया है ट्रेकिया मजीद डिवाइडेड है लेफ्ट मैन स्टीम ब्रोंकाई में देन बीच में ये केरीना देख सकते हैं ठीक है जहाँ से रिफ्लक्स होता है रेस्पिरेटरी या फिर कफ रिफ्लक्स होता है ओके देन उसके बाद ये अपर लोब है लेफ्ट लंग का देन इनके बीच में ओब्लिक फिशर है ओब्लिक फिशर के नीचे लोअर लोब है और लास्ट में बेस ऑफ लंग है तो इसमें भी सेम ही है लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो क्या है हॉरिजॉन्टल फेशियर और उनके नीचे मिडिल लोब है ओके तो ये हो गए लंग्स लंग्स के बाद हम थोरेक्स को देखें तो बोनी थोरेक्स इंक्लूड द क्लेविकल जो थे, थोरेक्स यानी चेस्ट को हम बोलते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं तो इसमें सबसे पहले क्लेविकल्स आ जाते हैं स्टर्नम आता है बीच में देन स्केप्यूला आता है और उसके अलावा ट्वेल्व सेट ऑफ रिप्स बारह रिप्स होती हैं और ट्वेल्थ थोरेसिक वर्टिब्राए आ जाती हैं ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं थोरेक्स बनाते हैं ओके देन लास्ट में है हमारे पास रेस्पिरेटरी मसल्स क्योंकि हमें पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको चलाने के लिए हमें रेस्पिरेटरी मसल्स की भी नीड होती है जिसकी वजह से हम ब्रीथिंग कर सकते हैं और या फिर जो एयर है उसको हम इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं बाय दी हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स ओके okay? तो रेस्पिरेटरी मसल्स में कौन कौन से मसल आ जाते हैं इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मसल है वो कौन सा है डायफ्राम है डायफ्राम देन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के ऊपर जो मसल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर द प्राइमरी मसल्स यूज इन ब्रीथिंग अब आपसे सवाल में ये पूछ सकते हैं कि विच आर द प्राइमरी मसल्स फॉर विच आर द प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स तो उसमें आप कौन सा टिक करेंगे ऑप्शन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मसल ये प्राइमरी मसल है रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग के लिए सो तो दे कॉन्ट्रैक्ट वेन पेशेंट इनहेल ये डायफ्राम और एक्सटर्नल कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब पेशेंट इनहेल करेगा फिर वो रिलैक्स होंगे जब पेशेंट एक्सहेल करेगा रिलैक्स क्यों होंगे क्योंकि उसके बाद एयर जब बाहर एक्सहेल होगी तो उसके दौरान जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो रिलैक्स करेंगे देन उसके साथ कुछ एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल से जिसमें ट्रेपेजियस आ जाते हैं स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड एंड एस्केल्स ये तीन मसल एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स हैं इनको भी आपने याद कर लेना है सो दे कम्बाइंड टू एलिवेट द इसकेप्यूला क्लेविकल्स स्टर्नम एंड अपर रिब्स। इनका काम क्या है ये मिलकर एलिवेट करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ठीक है क्योंकि इनका नाम क्या है दे आर इंस्पायरेटरी मसल्स ओके तो ये मिलकर क्या करते हैं एलिवेट करते हैं स्केप्यूलाए को देन क्लेविकल्स स्टर्नम और अपर रिब्स ताकि जा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एरिया बने और उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एयर इन हो ओके okay? तो ये हो गए रेस्पिरेटरी मसल्स अब बीच में पेल्यूराय को देख लें हाँ इनको हमने मिस कर लिया तो पेल्यूराय क्या है ईच लंग इज रेपिड इन अ लाइनिंग कार्ड वेजरल पेरुला पिल्यूरा ओके पिल्यूरा एक क्या है सिंपली uh, कवरिंग है जिससे जो लंग्स है वो रैपिड हैं उसको हम क्या बोलते हैं वेजरल पिल्यूरा बोलते हैं ऑल एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी देट कम इन कॉन्टैक्ट विथ लंग्स आर लाइन विथ पैराइटल पिल्यूरा और थोरेसिक कैविटी में जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो सेपरेटेड होते हैं लंग्स uh, से थ्रू पैराइटल पिल्यूरा ठीक है वो सारे लाइनिंग होते हैं बाय पेराइडल पल्यूरा पेराइडल पिल्यूरा और विजरल पिल्यूरा में फ़र्क है ओके देन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पिल्यूरल फ्लूड फिल्स द एयर बिटवीन टू लेयर अब इन दोनों लेयर के बीच में थोड़ा सा फ्ल्यूड होता है उस फ्ल्यूड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर हाँ पिल्यूरल फ्लूड बोलते हैं इसको ओके okay? ये पिल्यूरल फ्लूड क्या कर क्या करता है आ, एक तो ये इन दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है जो कि अलो करता है आ, ताकि जो दो लेयर्स हैं वो स्लाइड करें स्मूथली ओवर ईच अदर एज द चेस्ट एक्सपाउंड एंड कॉन्ट्रैक्ट जब चेस्ट एक्सपाउंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करती है तब पिल्यूरल फ्लूड का काम होता है कि वो स्मूथली इनको अपने ऊपर स्लाइड करवाए ओके अगर इनके बीच में फ्लूड नहीं होगा तो ये क्या होगी रब्चर हो जाएंगी ओके okay, तो ये सिंपल कंसेप्ट था पिल्यूराई का यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर सर्वाइकल कैप्यूला है या फिर डोम ऑफ पेराइटल पिल्यूरा जिसको हम बोलते हैं देन बाहर वाला पेराइटल पिल्यूरा है और अंदर वाला विसरल पिल्यूरा है ओके okay? नीचे आप डायफ्राम देख सकते हैं तो ये सिंपल एनाटॉमी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की